लोकसभा चुनाव को लेकर युवा भाजयुमो ने कमर कस ली है। इसके तहत केंद्र में एक बार फिर से मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचार किया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि शिमला जिले के रामपुर बुशहर के चौधरी अड्डे पर बीजेपी महिला मोर्चा रामपुर ने नमो टी स्टॉल का आयोजन किया है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकारी ने लोगों को इस मौके पर चाय पिलाई है। लोकसभा चुनाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा इस बार के लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स देश की सत्ता को तय करेंगे। आज महिला मोर्चा रामपुर द्वारा नमो टी स्टॉल के माध्यम से मोदी जी के पिछले 10 वर्षों की जो उपलब्धियां रही है, जो काम रहे हैं, उनको जनता में ले जाने का एक माध्यम है। आज मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत का गौरव, भारत का सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जब लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। रामपुर महिला मोर्चा ने यहाँ नमो टी स्टॉल का आयोजन किया है। इसमें महिला मोर्चा मंडल रामपुर के साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसमें हमने गर्मा गर्म मसालेदार खूब बढ़िया चाय पब्लिक को पिलाने की कोशिश की है। इसका मेन मकसद आप खुद जानते हैं कि अब चुनाव शुरू हो चुके हैं, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 1 मई से चुनाव शुरू होने हैं। इसका सीधा सीधा संदेश है मोदी जी से जुड़ने का, कमल के फूल से जुड़ने का। हमें बड़ा फख्र होता है कि मोदी जी किसी समय अपने बस स्टैंड में, अपने रेलवे स्टेशन में ऐसे ही अपना 30 साल लगा के चाय बेचा करते थे, और उनकी सोच देखिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश को आज उन्होंने कहां आगे पहुंचा दिया है।